दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं और उन्हें 2-3 दिन पहले से मैसेज आ रहा है कि अपना वर्तमान पता अपडेट करा लो। वर्तमान पता आप CSC के थ्रू या अपने हाथ से अपने मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप सहायता से करा सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे मैसेज शो हो रहा है यही मैसेज हर किसी को आ रहा है जितने लोग ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। तो कितने लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसा मैसेज है। तो ये मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो जैसे कि उनका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और वो कहीं और रह रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ये मैसेज भेजा गया है कि वो अपना एड्रेस अपडेट करा लें जहाँ पे हैं वो भी एड्रेस वो ऐड कर लें और अपना परमानेंट एड्रेस भी ऐड कर लें। तो बात आती है कि जैसे कि अब परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस को कैसे ऐड करें, कैसे अपडेट करें अपने ई श्रम कार्ड में। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे अपडेट करते हैं ई श्रम कार्ड में परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुंच सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। तो चलिए अपडेट पे क्लिक करते हैं। अपडेट पे क्लिक करते ही यहाँ आपसे UN नंबर मांगा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे अपना कैप्चा इंटर करना है, ये जो कैप्चा शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे UN नंबर इंटर कर देते हैं। UN नंबर कहाँ पे मिलेगा, वो जो आपने ई श्रम कार्ड बनवाया होगा उसके ऊपर ही UN नंबर लिखा होगा जो 12 नंबर डिजिट का होगा, उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। उसके बाद से कैप्चा यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, रीसेट का और जनरेट OTP का। तो जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इंटर OTP का एक पेज ओपन हो जाएगा और आपके नंबर इस नंबर पे जिसका लास्ट 4 डिजिट इतना है उस पर OTP जाएगा, वो यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से फिर नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, रिसेट और वैलिडेट का। तो वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन शो होगा, अपडेट प्रोफाइल का और डाउनलोड UN कार्ड का। तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपके सामने 6 ऑप्शन शो होगा, जिसमें यहाँ पे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, दूसरा एड्रेस का, तीसरा एजुकेशन एंड इनकम का, चौथा ऑक्यूपेशन और स्किल का, पांचवा बैंक अकाउंट डिटेल्स का और छठवां है प्रीव्यू प्रोफाइल का। तो जो मैसेज आ रहा है उसके लिए है यहाँ पे क्लिक करेंगे। एड्रेस पे क्लिक करते एक पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पे लिखा है, डू यू वांट टू अपडेट अनऑथराइज्ड वर्कर डाटा। तो यहाँ सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते ही आपको रेसिडेंट टीएल डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे करंट एड्रेस होगा और यहाँ पे आपको होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद से यहाँ पे देखे जो ये स्टार लगा है इसको भरना कंपलसरी है। यदि आप ग्रामीण है तो ग्रामीण पे टिक करेंगे, शहरी है तो शहरी पे टिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जितना भी स्टार है वहाँ पे सब इंटर करेंगे। और यहाँ पे देखिए करंट एड्रेस में आप जहाँ अभी इसी वक्त जहाँ पे हैं वो करंट एड्रेस इंटर करेंगे। जिन लोग जहाँ पे बनवाए थे और वहीं पे अभी हैं तो उन लोगों को नहीं कुछ करना है। तो यहाँ पे देखिए जो करंट एड्रेस में है तो जहाँ पे आप हैं वो करंट एड्रेस चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने महाराजगंज में बनवाया है और कहीं और बाहर रह रहे हैं इस समय, तो
यहाँ पे वो करंट एड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे, हाउस नंबर जितना होगा। उसके बाद से यहाँ जो स्टार है वो भरेंगे, स्टेट किस स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद से पिन कोड इंटर करेंगे। उसके बाद से एक यहाँ पे देखिए लिखा है परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो यहाँ पे इंटर करेंगे। परमानेंट एड्रेस वो है कि जो आपका पहले से जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस होता है वो, तो वो वाला एड्रेस यहाँ पे हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील और पिन कोड चेंज करके यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अपडेट करते ही आपका अपडेट हो जाएगा एड्रेस, तो जो आपका वर्तमान एड्रेस है वो वर्तमान एड्रेस हो जाएगा करंट में, और जो परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट हो जाएगा। तो मेरा अभी इसमें कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे हूँ, जहाँ से मैं बनवाया हूँ मेरा करंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, इसलिए मैं मुझे कुछ भी अपडेट नहीं करना है। आपको अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से जिन जिन लोगों को मैसेज आया है और जिन जो लोग अपने जगह पे नहीं हैं जहाँ उनका परमानेंट और करंट एड्रेस अलग अलग है, वो अपना एड्रेस अपडेट कर लें। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर बैठे ये मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी हो उससे अपना परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि यह अपडेट का प्रोसेस आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बाय, टेक केयर।